पितृवंश के अंतर्गत जहन, कुशिक तथा भृगवंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन में महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था, वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज छूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तनवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुहु, दुति, पुष्ट, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृत तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजा धीराज सोम दसों दिशाओं प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई, उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वो हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। मुनिवरों, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वह ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वह ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसीलिए यशस्वनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध हुए और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, आयु, अमावस, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा बाहरायु। ये सभी उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अमावस के पुत्र राजा भीम हुए, भीम के पुत्र कांचन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहनु था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जहनु ने क्रोध में भर कर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ, तो अपने इस घमंड का फल शीघ्र पाले। यह कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जहनवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहनु ने योनाश्व की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। योनाश्व के
शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहन ने कावेरी के गर्भ से सुनत नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनत के पुत्र अजक, अजक के बाल काश्व और बाल काश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी चार पुत्र हुए, कुशिक, कुशनाभ, कुशांब और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ बले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया था। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशक की पत्नी पौरा थी, उसके गर्भ से गाधिका का जन्म हुआ था। गाधिका एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। गाध ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया। ऋचिक अपने पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाध के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, शुभे, इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोग में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यह कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगलों में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाध अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने दैववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीपित हो रहा था, देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उसने कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से स्वरूप ब्रह्मा का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा न हो, आप जैसे महर्षि से ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है, तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यों कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र प्राप्त करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे ही उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्य आत्मा थी। वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम से एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनःशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनःपुच्छ थे। कुशक नंदन गाध ने विश्वामित्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वह ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के बाद देवरात आदि कई पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं, देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक, कत, हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृत, गालव, मुद्गल, मधुच्छंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारीत। ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे।
इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाड़िन, बभ्रु, ध्यान जप्य, पार्थिव, देवरात, शालंकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारीत और अष्टका दाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनःशेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उसका जन्म भृग कुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिदश्य के यज्ञ में वह पश बनकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ। अष्टक का पुत्र लोहे बताया जाता है। इस प्रकार मैंने जहन कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा।